सबसे पहले मैं जो हमारे साथियों ने बात रखी मैं मुख्तसर तौर से 5-7 मिनट करूंगा। लड़कियों की तालीम में बहुत जोर दिया गया और ये हकीकत भी इल्म में ऐसी समंदर है जिसमें जितना घुसिएगा जितने गोटे खाइएगा उतनी सब चीजों को हासिल करते चले जाइए। इल्म की ताकत ऐसी ताकत है, इल्म एक ऐसा खजाना है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं सकता। जितनी जिसको इल्म है वो जितना खर्च करेगा उतना उसको और हासिल होते चले जाएगा। दुनिया की सारी चीज लुट सकती है, मेरी कार लुट सकती है, दौलत लुट सकती है, माल लुट सकता है, लेकिन इल्म जिसके पास है उतना ही रहेगा। इजाफा हो सकता है लेकिन कोई माई कलाम से लूट नहीं सकता। इल्म की ताकत बहुत बड़ी है। इल्म की बुनियाद पर आप और हम यहाँ आदिम है एक दूसरे से कहलाते हैं। हमें जबान दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, अपनी बात को कहने और सुनने की हमें कुव्वत दी, तब हम यहाँ इकट्ठा है। वरना लाइव की जगह तो आप जाइएगा, शहर में घूमिएगा, कोई चाय की दुकान में दृष्टि की रहा है, कोई सिगरेट उड़ा रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई फिल्म में देख रहा है, कुछ देख रहा है, ये लाइव में है। उनकी गलती इसलिए नहीं कर सकता तो उस लाइव से अभी वो गुजरे नहीं, अभी वो हालात पैदा हो गए। मेरा बात उनकी हो जाएगी, मैं उसे कह रहा हूँ कि लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन तालीम का जरिया ये है कि बुनियादी तौर से मेरी चार बेटियां मैं अपने ऊपर मिसाल दे, मेरी चार बेटियां हैं, चारों बेटियों की जब तालीम मैंने शुरू की तो मेरे मोहल्ले में मेरे खिलाफ जो है बच्चा कर दिया और मुझे उसमें बुलाया गया कि मियाँ आप जो अपनी बच्ची को यहूदा इशारा की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश और स्कूलों में भेज रहे हैं, इससे लड़कियों के मामला पे अच्छे असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये बंद करिए। बेटी जो है कुरान पढ़े घर में बैठी है उसके अलावा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे करूंगा, लेकिन ये बात अगर किसी आलिम साहब कहवा दे कि बेटियों की तालीम सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो कुरान पढ़े घर में बैठी है और दुनिया की तालीम हासिल ना करे, मैं भी मान लेता हूँ आपकी बात और आपके साथ में और जगह भी चलूंगा आपकी बात को रखने। एक इमाम साहब को बुलवाया गया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मसला नहीं है, बेटियां भी तालीम हासिल करें और कहीं तक भी पढ़े, मैं शरीय एतबार से इस ख्याल रखने जाए कि वो गैर शरीय में जाए। तो लोगों के जहन में आगे उन्होंने कहा भाई अब आप इमाम साहब की बात से आपने कहवा दिया, मेरा आपसे वादा है मेरी बेटी जब तक पढ़ेगी इंशाल्लाह शरीय के एतबार से। मैंने वो वादा किया और मेरे जहन में पहले से भी आफत आ, मैंने अपनी चारों बेटियों को पढ़ाना शुरू किया प्राइमरी से लेकर के और डिग्री लाने हासिल करने तक। सारी बेटी अल्लाह का शुक्र एहसान है कि कोई एजुकेशन में मैंने एक बच्ची को नहीं पढ़ा, सिर्फ वहां पढ़ा जहां लड़की पढ़ने वाली थी, लड़की ही पढ़ाने वाली। अपनी बेटियों को मैं खुद लेकर जाता था पढ़ने की सूरत में, खुद ही वापसी लेकर आता था। मैंने अपने बच्चों को मेहनत की, दो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हुई, दो ग्रेजुएट हुई, दो बेटे मेरे यहाँ बैठे दोनों ग्रेजुएट हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बच्चियों को आते जाते मैं किसी के गैर मुस्लिम ने कि गैर मुस्लिम देखा ही नहीं, पढ़ते ले जाती थी बोलते से स्कूटर मोटरसाइकिल छोड़ के आता था, स्कूल के टाइम पे पहुंच गया उससे पहले निकाल गया। हफ्ते में एक दिन जाकर के क्लास के टीचर से जरूर पूछता था मेरी बच्ची की पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी बच्ची के मामला कैसे हैं। किसी और बच्ची से तो ताल्लुक इसका नहीं है जो कहीं गलत जगह ले जा रही हो या गलत बातों में जा रही हो। पढ़ाई के दौर में बच्ची की तालीम पर खासकर नसब के हालात पर ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप उसमें असर डाले, उस पर निगाह। बिगाड़ यहाँ होता है कि हम पूरी आजादी देकर के अपनी बच्ची को पैसा दे दिया, मोबाइल दे दिया, जाओ पढ़ जाओ, कितने घंटे पढ़ रही है कितने घंटे नहीं पढ़ रही है किसी की सोबत में किसी सोबत में नहीं है ये हम नहीं देंगे। माँ बाप के जुम्मे औलाद के दीन पढ़ते हैं, सुन लेना, और इसी की जवाबदेही होगी अल्लाह का। औलाद पैदा होने के बाद सबसे पहले दीनी एतबार से उसका सही नाम रखना ये माँ बाप के जुम्मे है। औलाद पैदा होने के बाद सही नाम दीनी एतबार से रखना ये माँ बाप का फर्ज पहला है औलाद के लिए। दूसरा फर्ज यह है जब औलाद तालीम के लायक हो जाए तो उसकी तालीम और तरबियत, तालीम तो ये रट जो रहे ना ये तालीम नहीं है, हम रटा रटा पढ़ रहे हैं,
नहीं कर रहे, रट रहे। तालीम और तरबियत दोनों शरीय दुनिया एतबार से सही मायने में हो जाए, ये दूसरा पड़े माँ बाप का औलाद का। बाली होने के बाद उसके सही खानदान में उसके जोड़ के मुताबिक शादी कर देना, ये तीन फर्द माँ बाप के दिल में औलाद का। बाकी ये ना कहीं लिखा है कोई मेहर बना के दीजिए, कोई बार बार फैक्ट्री लगा के दीजिए। तालीम दुनिया में हासिल करने और आखिर तक चले जाना, ये रोजी रोटी का जरिया नहीं है। रोजी रोटी का देने वाला तो अल्लाह है, दुनिया में जब उतारा है उसके साथ उसकी रोजी रोटी मिलता है, ये जरिया नहीं। जरिया ये होना चाहिए कि दीनी एतबार से हम दुनिया में कैसे सब चीजों को हासिल करते हुए अपने ईमान को बचा के ले जाए और आखिर की फिक्र करते हुए आपस में भी हम अपना मुकाम हासिल करें, ये तरीका होना चाहिए। हम तालीम को उसी तरह से देखें, तुम सारे स्टूडेंट बैठे हो, 65 साल की मेरी उम्र होगी, मेरा बहुत तजर्बा है। स्टूडेंट की सोच जो है वो ये तो होती है कि मैं कुछ ना कुछ हासिल कर लूं, लेकिन क्या हासिल कर लूं तो इसके माँ बाप जब अनपढ़ हैं तो पता नहीं चलता कि क्या हासिल। जरूरत इस चीज की है कि आज हर कस्बे में, हर शहर में, हर जिले में दो चीजें मुस्तकिल होनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन सेंटर, जिससे हमारे स्टूडेंट आगे बता सके कि कहाँ एप्लीकेशन देके हमें दाखिला मिल सकता है, कहाँ एप्लीकेशन में रोजी रोटी मिल सकती है। एक इंफॉर्मेशन सेंटर, एक काउंसलिंग बोर्ड जिसमें हमारे रिटायर मुस्लिम कर्मचारी, रिटायर अधिकारी, साइंटिस्ट ने आपको जानकारी बहुत सारी देना, इन लोगों का काम ये कि स्टूडेंट की हम काउंसलिंग करें और उसके बाद समझने के बाद उसका रुख जानने के बाद उसे लाल अमल बताएगा कि तुमको यहाँ चलना है, यहाँ से मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो, यहाँ तुम आईएएस बन सकते हो, यहाँ पीसीएस बन सकते हो। हमारे नौजवान साथी आईएएस पीसीएस के लिए बहुत परेशान रहते हैं, कह रहे साहब खर्चा बहुत आता है, पैसा है नहीं, कहाँ से कोचिंग करने हैं। चार पांच जगह ऐसी हैं जहाँ फिर कोचिंग होती है आईएएस पीसीएस, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पांच जगह ऐसी, लेकिन जानकारी न होने की वजह से उन पांच जगह का प्राइम देकर डूब जाता है। एक हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद अपने एडॉप्ट कर लेती है उसको कोचिंग कराती है, जो बच्चा जिस लायक है उसी लायक उसको तैयार करके वो यूपीएससी और बच्चा काबिल बनता है। नंबर दो जामिया, ये भी कोचिंग कराती है, और जब ये रिजल्ट आउट हुआ है 2021 का यूपीएससी का, उसमें 21 बच्चे आए हैं, उसमें उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जामिया इस्लामी पर गैर मुस्लिम, जो लड़की फर्स्ट आई है, पहले नंबर पर आई यूपीएससी में, रितु शर्मा, वो जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट रही है और आपने भी कोचिंग किया है, वो फर्स्ट आई है। नंबर तीन इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर, वो भी कोचिंग कराता है, आईएसपीसीएस की भी कोचिंग कराता है। बच्चे अगर पढ़ने वाला उसके नंबर्स मास 80-85% है, 70 से ऊपर है, तो वो उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। आपको खाना, लाइब्रेरी, आपको कोचिंग, आपको रिहाइश सब फ्री, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर तीन जामिया मिलिया इस्लामिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू किया और इस साल से जामिया हमदर्द ने भी शुरू किया। चार पांच जगह तो मैं लाने ऐसी दे रखी है कि तुम आगे से पीछे कर सकते हो, लेकिन बनने को नहीं देता। एंड्रॉइड मोबाइल, जरूरत से ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल करना। ये मेरा बेटा बैठा है, अभी बाहर गया है, ग्रेजुएट होने तक मैंने उसको सादा मोबाइल दिया और बच्चा परेशान हो उसी में रहा, ग्रेजुएट हो गया हमने, मोबाइल नहीं।